बुरहानपुर जिले के घाघरला में काट रहे जंगल को बचाने के लिए मुहिम चलाने वाले ग्रामीणों ने विकास यात्रा का विरोध किया है। गोलखेड़ा ग्राम में विधायक सुमित्रा कास्तेकर ने यात्रा निकाली। विकास यात्रा को अन्य क्षेत्रों में भी जाने का विरोध किया है। उनका इस दौरान लोगों का कहना है कि जंगल हमारी माता है और इसकी गर्दन काट रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक सांसद कुछ हमारी बात नहीं सुनते हैं, जिसके लिए ये कदम उठाया गया है। यहां तक कि भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वारा भी भाजपा की विकास यात्रा का विरोध जताया गया। जब इस संबंध में तहसीलदार प्रवीण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम कर रहा है। तो बुरहानपुर जिले के घाघरला में भाजपा की विकास यात्रा का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि घाघरला में जंगल जो है वो कट रहे हैं और सरकार जो है इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है और ग्रामीण इसी बात को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गोपाल देवकर जुड़ चुके हैं। गोपाल, अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों से बीजेपी विकास यात्रा निकाल रही है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि बुरहानपुर के घाघरला में जब विकास यात्रा निकली तो ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। क्या कुछ मुख्य कारण रहे जिसके चलते ग्रामीणों ने इसका विरोध किया? तो लगता है गोपाल से हमारा संपर्क टूट गया, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, बुरहानपुर जिले के घाघरला में काट रहे जंगल को बचाने के लिए मुहिम चलाने वाले ग्रामीणों ने विकास यात्रा का विरोध किया है। गोलखेड़ा ग्राम में विधायक सुमित्रा कास्तेकर ने निकाली थी और विकास यात्रा को अन्य क्षेत्रों में भी जाने का विरोध किया है। इस दौरान लोगों का कहना है कि जंगल हमारी माता है और इसके कर्तन काट रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक सांसद कुछ हमारी बात नहीं सुनते हैं, जिसके लिए ये कदम उठाया गया है। यहां तक कि भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष द्वारा भी भाजपा की विकास यात्रा का विरोध किया गया है। जब इस संबंध में तहसीलदार प्रवीण से बात की गई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम कर रहा है। तो बुरहानपुर में भी आपको बता दें कि विकास यात्रा का विरोध किया गया है, क्योंकि जिस तरह से हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, ऐसे में ग्रामीण इस बात का विरोध कर रहे हैं कि विकास के नाम पर जंगलों को काटा जा रहा है। और हालांकि ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया है, लेकिन इस ओर प्रशासनिक अधिकारियों ने जब ध्यान नहीं दिया तो ग्रामीणों ने विरोध करने का दूसरा तरीका अपनाया और जब विकास यात्रा निकाली गई तो इस दौरान ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। तो आपको बता दें कि गोलखेड़ा ग्राम में विधायक सुमित्रा कास्तेकर ने विकास यात्रा निकाली। विकास यात्रा को अन्य क्षेत्रों में भी जाने का विरोध किया गया है। तो इस दौरान लोगों का कहना था कि जंगल हमारी माता है और इसकी गर्दन काट रहे हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक और सांसद हमारी बात नहीं सुनते हैं, इसके लिए ये कदम उठाया गया है। विकास यात्रा का ग्रामीणों ने विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, लेकिन अधिकारी जो हैं इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और जिसके चलते विकास यात्रा के दौरान ग्रामीणों ने इस यात्रा का विरोध किया है।